हेलो हेलो बच्चे, हेलो, आवाज़ आ रही है बच्चे? साउंड आ रही है? आ रही है, साउंड आ रही है। ओके ओके, गुड इवनिंग। कैसे हो सब लोग? कैसे हो बच्चा? मज़े में हो सब लोग? पढ़ाई चल रही है? हमसे गुस्सा हो? सब गुस्सा हो? ज़्यादा डांट पड़ रहा है क्या? गुस्सा हो तो तुम लोग ऐसा करना ना कि एक लिस्ट बना के हमको बता देना कि सर फलाने 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 लड़का हम लोग आपसे ज़्यादा गुस्सा हैं। हाँ, मज़ा आ जाएगा उसके बाद क्लासरूम में। नहीं नहीं बेटा, पढ़ने के लिए तो बोलेंगे ही, इट्स माई ड्यूटी। इसी के लिए तुम्हारे पापा मेरे को पैसा देते हैं, इसी के लिए हमको फी मिलता है। अभी आप लोग का जो ट्रैक है वो आउट ऑफ वे है, तो इससे तो अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। तो सुनना तो पड़ेगा, और सुनना ही नहीं पड़ेगा बल्कि सही जगह पर आना पड़ेगा। यस, तो मैं फिर बता दूं, या तो आपको गुस्सा नहीं करना है, आपको रियलाइज़ करना है कि यस सर मेरे लिए स्ट्रिक्ट हुए हैं। और अगर आपको गुस्सा आ रहा होगा तो हमको आप एक लिस्ट बना के दे दीजिएगा कि सर फलाने फलाने हम लोग गुस्सा आपसे कर रहे हैं, बाकी फिर मैं आपसे सलट लूँगा। नहीं बेटा, मैं आपका हूँ बिल्कुल, आपके लिए मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, आपके लिए मैं प्रे करता हूँ, आप सही जगह पर आओ। और उसी के लिए मैं आप पर थोड़ा सा अभी सख्त हुआ हूँ, क्योंकि अभी से अगर आप सही जगह पर आओगे ना, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर होते होते, फाइनली दिसंबर होते होते तुम अपने आप को इतना स्ट्रांग कर लोगे कि फिर तुम्हें एग्जामिनेशन से ना तो डर लगेगा और नहीं तुम्हारा एग्जामिनेशन ख़राब जाने वाला है। तुम्हारे मार्कशीट में भर भर कर नंबर रहेंगे और तुम एक अच्छे स्टूडेंट के रूप में सामने आओगे। बस मेरा इतना सा उसे लॉस्ट होता है कि चलो आखिर मैं ही भी तो कह सकता हूँ ना कि मैं पढ़ाया था। बस मेरा इतना सा लॉस्ट है कि थोड़ा नाम मेरा भी हो जाएगा। चल अब आते हैं अपन का आज के क्लास पर। तो आज के क्लास में अपन का बहुत चीज होने वाला है। जैसा तुम लिस्ट में देख रहे हो, ओम्स लॉ है, ओम्स लॉ है, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टिविटी है, कंडक्टेंस है, कंडक्टिविटी है, बहुत सारा चीज आज के क्लास में आने वाला है। अब अगर यहां पर हम थोड़े से टॉपिक्स को देख लें, तो यहाँ पर कौन कौन से टॉपिक्स हम कवर कर रहे हैं तो हम देख ले। तो आज हम आपको तुमको बताने जा रहे हैं ओम्स लॉ। अभी तुम्हारे मन में आएगा सर प्रीवियस में आप ओम्स बताए थे, तो यस मैंने प्रीवियस में जो ओम्स बताया था वो डायरेक्ट मैंने ओम्स का प्लेन लॉ बताया था। आज मैं तुमको इसका माइक्रोस्कोपिक फॉर्म बताऊंगा कि ओम का माइक्रोस्कोपिक फॉर्म क्या है। फिर मैं तुमको बताऊंगा कि रेजिस्टेंस है क्या और रेजिस्टेंस किन किन बातों पर डिपेंड करता है। फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जिसको बोलते हैं दूसरा नाम है, ये क्या होता है। और तीसरा और चौथा नेक्स्ट बात बताऊंगा कि मैं कंडक्टेंस क्या है, और मैं जगह नहीं रहने के कारण इसको अलग से लिख दिया, वो साथ में ही लिख दिया कंडक्टिविटी। मतलब आज का बहुत सारा टॉपिक्स होने वाला है, मतलब आज का क्लास तो जबरदस्त क्लास है बच्चा। तो प्लीज़ सब लोग एकदम मेडिटेट रहना, कॉन्सेंट्रेट रहना, सारे बच्चे एकदम सोच लो कि जितना भी क्लासेस, जितना भी टॉपिक सर यहाँ से बता रहे हैं इसको एकदम से क्लियर कर लेना है। तो चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम आते हैं तुमको बताने के लिए कि माइक्रोस्कोपिक फॉर्म अगर रहेगा तो हम लोग कैसे इसको पढ़ेंगे। रिलेशन बिटवीन जे सिग्मा एंड ई, ये जो जे सिग्मा और ई के बीच में रिलेशन है इसी को हम लोग माइक्रोस्कोपिक फॉर्म कहते हैं। ये जे सिग्मा और ई के बीच में जो रिलेशन है इसी को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म, ओम्स का माइक्रोस्कोपिक फॉर्म बोलते हैं। तो बच्चा इसको तुम अच्छा से समझना, सब लोग ध्यान देना, खूब अच्छा से देखोगे। तो क्या तुम जानते हो कि I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी होता है, सब जानते हो ना। और साथ ही साथ तुम ये भी जानते हो कि वी डी इज इक्वल टू होता है ET/M, सब बच्चे जान रहे हो। अब अगर इस वी डी का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू NEA तो रहेगा, और वी डी का मतलब हो गया ET/M, वी डी का मतलब हो गया ET/M। अब अगर यहाँ से A को यहाँ ला लिया जाए तो क्या हो जाएगा, I/A। अब थोड़ा सा अरेंज करते चलते हैं, कैपिटल E को यहाँ पर हम रख लेते हैं,
और एम को भी रहने देते हैं, बाकी सब को क्या क्या बच गया तुम्हारे पास, एन बच गया है, ई और ई मतलब ई स्क्वायर बच गया है और टी बच गया, ये सबको उठा कर नीचे लेते आओ। फिर से ध्यान देना, तुम्हारे पास क्या बचा हुआ है, एन बचा हुआ है, नीचे ले आओ। देखो दो गो ई बचा हुआ है मतलब ई स्क्वायर बचा हुआ है, नीचे ले आओ, और टी बचा हुआ है इसको भी नीचे लेते आओ। अब तुम हमको बताओ आई बाई ए का मतलब क्या होता है, क्या होता है जल्दी से बता दो, आई बाई ए का मतलब क्या होता है, तो जे होता है। चलो बहुत अच्छा, आई बाई ए का मतलब क्या होता है, तो जे होता है, बहुत अच्छा, हमने भी लिख दिया जे। ई को ज्यों का त्यों तू रहने दो, और हमको एक बात बता दो, यहाँ पर एक सब सभी बच्चे ध्यान दोगे कि रो का मतलब होता है एम बाई एनी स्क्वायर टी, एम बाई एनी स्क्वायर टी का मतलब रो होता है, तो इसके बदले तुम पुट कर दो रो। और बच्चा एक बात और ध्यान दो, एक बात और ध्यान दो कि वन बाई रो का मतलब होता है सिग्मा, वन बाई इसको हम बोलते हैं रजिस्टिविटी, क्या बोलते हैं, तो रजिस्टिविटी, और इसको क्या बोलते हैं, इसको तो इसको बोलते हैं कंडक्टिविटी, क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी। तो अब यहाँ पर तुम अगर सिग्मा पुट कर दोगे वन बाई रो, वन बाई रो के बदले सिग्मा पुट कर दो तो जे इज इक्वल टू ई सिग्मा, और यही है माइक्रोस्कोपिक फॉर्म, जे इज इक्वल टू ई सिग्मा, यही ओम का माइक्रोस्कोपिक फॉर्म है। तो कोई बच्चा अगर डायरेक्ट यहाँ से लिखना चाहता है तो ये भी बहुत अच्छा तरीके से लिखा हुआ है, अगर तुम यहाँ से नोट करना चाहते हो तो ये भी बहुत अच्छा तरीका से लिखा हुआ है, तुम्हारी मर्जी, जहाँ से चाहो वहाँ से तुम नोट कर सकते हो, और तुम यहीं पर छोड़ दे सकते हो, ये ओम का माइक्रोस्कोपिक फॉर्म है, ये कोई बहुत ज़्यादा इसेंशियल नहीं है, करना है तो कर लेना, नहीं तो फिर कोई बड़ा बात नहीं है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक्स पर, चूँकि ढेर सारे टॉपिक्स हैं तो मैं फटाफट निकलते जाऊँगा। रजिस्टेंस का मतलब होता है प्रतिरोध, रजिस्टेंस का मतलब होता है प्रतिरोध, और यहाँ टॉपिक तुम्हारा आ रहा है कि प्रतिरोध है क्या चीज़, रजिस्टेंस है क्या चीज़, नाम ही है प्रतिरोध मतलब विरोध, विरोध किसका विरोध। तो बाय द वे अगर तुम कंसीडर करो कि ये वायर है और इससे करंट को फ्लो करा रहे हो, एक करंट अगर ऐसे फ्लो हो रहा है तो नो डाउट इसके रास्ते में तो ऑब्स्टेकल होगा, विरोध होगा, रजिस्टेंस मतलब अवरोध, ऑब्स्टेकल होगा ही होगा। ये जब करंट किसी कंडक्टर से फ्लो करता है तो उसमें जो विरोध उत्पन्न होता है इसी को हम बोलते हैं प्रतिरोध। इसका मतलब है क्या लिखे, इट इज द प्रॉपर्टी बाय वर्चू, वह गुण है विच ए कंडक्टर अपोजेस द फ्लो ऑफ चार्जेज, जब इसे चार्ज फ्लो करेगा तो जब चार्ज फ्लो करेगा तो उसमें जो अपोज होगा इसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रजिस्टेंस बोलते हैं। लेकिन ये तो मैथमेटिकल डिफिनेशन नहीं हुआ, ये तो गणितीय फॉर्मूला नहीं हुआ, तो ओम साहब ध्यान देना, ओम साहब तुमको बता चुके हैं कि भी इज इक्वल टू आई आर, इस कहाँ से आर का मान निकालोगे तो भी बाई आई हो जाएगा, भी का मतलब पोटेंशियल और आई का मतलब करेंट, और यही इसका एक डिफ्रेशन निकल गया कि इट इज इक्वल टू द रेशियो द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर, ए पोटेंशियल डिफरेंस टू द कंडक्टर टू द करेंट फ्लो थ्रू इट, और करेंट मतलब हम कोई सर्किट लेते हैं तो सर्किट के दो एंड के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है और जो करंट फ्लो करवा रहे हैं, हम एक सर्किट ले लें, अगर बाय द वे हम एक सर्किट यहाँ पर अगर कंसीडर करें कि हम एक सर्किट ले लिए, ऐसा सर्किट ले लिए, तो ये सर्किट के दो एंड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है और यहाँ से हम कितना करंट फ्लो करवा रहे हैं, इन दोनों का जो रेशियो होगा इसी रेशियो को हम क्या बोलते हैं, रजिस्टेंस कहते हैं। बचपन का प्यार है बेटा, बहुत पहले पढ़ चुके हो कि प्रतिरोध बराबर विभवांतर बटा धारा है ना, पढ़े हो ना, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू पोटेंशियल बाय करंट, ये पहले पढ़ चुके हो, वी इज इक्वल टू आई आर, ओम साहब पढ़ा चुके हैं। तो आर इज इक्वल टू क्या हो गया, तो नो डाउट वी बाय आई हो गया, ओम नामक साइंटिस्ट ने बताया, मैं बार बार बोल रहा हूं, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा, और ये इसका सिंबल है ओम का, ये सारे बात तुम जानते हो, इसका मतलब वन ओम किसको बोलते हैं, वन वोल्ट बाय वन एम्पियर, वन वोल्ट पर एम्पियर को ही हम क्या बोलते हैं, ओम कहते हैं। अगर बाय द वे हमसे रेजिस्टेंस निकालने के लिए कहा जाए तो वी बाय आई, और डायरेक्ट अगर भी का नहीं जानते हो तो भी को तोड़ लो, डब्लू बाई क्यू और आई को रहने दो, क्या मैंने बताया कि यहाँ हो गया डब्लू बाई क्यू और आई को ज्यों का त्यों रहने दो। अब शायद सभी चीज़ का तुम जानता होगा, बोलो डब्लू का क्या होता है, तो डब्लू का होता है एम एल टू टी माइनस टू, नीचे में क्यू है तो क्या हो जाएगा ए टी, और नीचे में करंट है तो क्या हो जाएगा ए, बस मैनेज कर लो, तुम्हारा काम हो गया, 12 में हो तुम लोग तो इतना मैनेज करना तो जानते ही हो, M तो रहेगा, L 2 रहेगा, T ऊपर में एक और जा रहा है तो -3 हो जाएगा, और नीचे में A 2 गो है ऊपर में जा रहा है तो -2 हो जाएगा, और बन गया एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस टू, तो A तो हो गया तुम्हारा रजिस्टेंस, फटाफट हम निकलते जा रहे हैं।
अब है कि रेजिस्टेंस किन किन बातों पर डिपेंड करता है, प्रतिरोध किन किन बातों पर डिपेंड करता है। तो बच्चा ये जो रेजिस्टेंस है ना, वो दो बात मेनली तीन बात पर निर्भर करता है, एक दो और तीन बात पर निर्भर करता है, लेकिन दो मैथमेटिकल वर्ड है। पहला तो है कि लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर इसका मतलब आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, जितना तार का लंबाई जितना लंबा होगा रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा बनेगा। यही कारण होता है कि जगह जगह पर ट्रांसफार्मर दिया जाता है। अगर बाय द वे करंट का सप्लाई यहाँ है तो यहाँ ट्रांसफार्मर दिया गया, यहाँ पर सारा मोहल्ला लोग यूज किया, आगे फिर ट्रांसफार्मर दे दिया गया, यहाँ पर सैकड़ों मोहल्ला को कनेक्शन दिया गया, आगे फिर ट्रांसफार्मर, यहाँ पर सैकड़ों कनेक्शन दिया गया। ये जगह जगह पर ट्रांसफार्मर लगाने का रीज़न यही होता है कि अगर क्या होगा फिर यहाँ तार पूरा यहाँ से यहाँ तक लंबा हो जाएगा, और इतना लंबा तार अगर हो जाएगा तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस बन जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस लेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो चलो एक बात तो ये हो गया, और दूसरा बात हो गया कि एरिया का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वन बाई ए। तो पहला बात तुम्हारा निकल गया कि आर इज प्रोपोर्शनल टू एल, और दूसरा बात निकल गया कि आर इज प्रोपोर्शनल टू वन बाई ए। अब वन बाई ए को तुम अच्छा से एक्सप्लेन कर लो। जैसे तार, फ्यूज का तार पतला होता है, क्योंकि तार अगर पतला रहेगा मतलब एरिया कम रहेगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा बनेगा, और ज़्यादा रेजिस्टेंस बनेगा तो जब करंट अगर आएगा, ज़्यादा करंट आएगा तो इतना रेजिस्टेंस बन जाएगा कि वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, पहले तार को ही गला देगा और पूरा का पूरा सर्किट बच जाएगा। अब इसके अगेंस्ट में अगर मैं ये बात बोलूँ, अगर हम इसके अब थोड़ा सा उल्टा मैं एग्जांपल लूँ, तो मैं ये एग्जांपल लूँ कि जो घर में हम लोग वायरिंग का तार लेते हैं वो मोटे तार से करते हैं, तो तार को मोटा रखने का सेंस ये होता है, तार को मोटा रखने का सेंस ये होता है कि अगर तार हमारा मोटा रहेगा, एरिया ऑफ प्रोसेक्शन अगर ज़्यादा रहेगा तो नो डाउट उसमें रेजिस्टेंस कम बनेगा। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया हो गया। अब दोनों को अगर एक साथ मिला लिया जाए, इन दोनों को एक साथ मिला लिया जाए, तो आर प्रोपोर्शनल एल बाई ए हो जाएगा। हर प्रोपोर्शनल कांस्टेंट में टूटता है और यहाँ पर ये रो में टूटता है, तो रो इंटू एल बाई ए हो जाएगा। आर इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई हो जाएगा। रो को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी बोलते हैं, और इसी रो का दूसरा नाम है रेजिस्टिविटी, इसी रो का अगला नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो बच्चा हम उम्मीद करें कि तुम लोग को ये समझ में आ रहा है कि रो क्या होता है। ये रो कांस्टेंट को रो कहते हैं, इसका दो नाम है। अगर तुम हिंदी में सुनना चाहोगे तो रेजिस्टिविटी का हिंदी प्रतिरोधकता होता है, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का हिंदी विशिष्ट प्रतिरोध होता है, विशिष्ट प्रतिरोध। अब यहाँ से अगर तुमको रो का वैल्यू निकालने के लिए कोई कहे तो बिल्कुल निकाल सकते हो, रो इज इक्वल टू आर इंटू ए बाई एल। हम इसके बारे में और आगे चर्चा करेंगे। तो ये हो गया कि किन किन बातों पर निर्भर करता है। अब थर्ड है कि नेचर ऑफ द मटेरियल। नेचर ऑफ द मटेरियल कहने का मतलब है कि रेजिस्टेंस तो यस नेचर पर डिपेंड करता ही है, क्योंकि जो तुम तार यूज कर रहे हो वो तार किस मेटल का बना हुआ है, वो कॉपर का बना हुआ है कि एल्युमिनियम के तार को तुम यूज कर रहे हो कि सिल्वर के तार को यूज कर रहे हो, क्या सारा में एक ही जैसा रेजिस्टेंस होगा क्या? तो नहीं, जैसा हम मेटल लेंगे वैसा रेजिस्टेंस बनेगा। इसका मतलब है कि नेचर ऑफ मटेरियल पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो बच्चा तीन बात मैंने आपको बताया, एक बात मैंने बताया कि लेंथ पर डिपेंड करता है मतलब लेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, दूसरा बात मैंने बताया कि एरिया पर डिपेंड करता है लेकिन एरिया का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और तीसरा बात मैंने आपको बताया कि नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है कि जो कंडक्टर है जिससे आप करंट फ्लो करा रहे हो वो कंडक्टर किस मेटल का बना हुआ है। तो ये तीन बात पर डिपेंड करता है, और एक कैलकुलेशन आपका हो गया। क्या कैलकुलेशन हो गया? तो ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आर इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए, और यहाँ से अगर रो का मान निकालिएगा बेटा तो रो इज इक्वल टू हो जाएगा आर इंटू ए बाई एल। चलिए अब मैं थोड़े से रो के बारे में मतलब रेजिस्टिविटी के बारे में आपको बात कर लूँ। अभी आपने पढ़ा यहाँ तक तो मैं आपको नहीं कुछ ज़्यादा बोलूँगा, आर प्रोपोर्शनल एल, आर प्रोपोर्शनल वन बाई ए, दोनों को मिला देंगे तो आर प्रोपोर्शनल एल बाई ए, आर इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए, एल बाई ए। ए जो रो है मैंने अभी आपको बताया, इसी को हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं। अब जरा गौर कीजिए आपका क्या फॉर्मूला आया, तो आपका फॉर्मूला आ गया आर इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। अब अगर आप इस आर को, सॉरी इस एल को अगर आप यूनिट मान ले, एरिया को भी अगर आप यूनिट मान ले, तो नो डाउट आर और रो दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसका मतलब हुआ बेटा कि रेजिस्टिविटी भी तो रेजिस्टेंस ही है। इसका मतलब तो हो रहा है कि जो रेजिस्टिविटी है वो भी क्या है, वो भी रेजिस्टेंस ही तो है। रेजिस्टिविटी भी तो रेजिस्टेंस ही हो गया, देखिए ना, रो इज इक्वल टू आर हो गया। लेकिन अब इसके लिए कंडीशन है कि लेंथ वन होना चाहिए और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिट होना चाहिए। मतलब अगर किसी वायर का लेंथ
यूनिट हो, एरिया ऑफ क्रॉससेक्शन यूनिट हो, उस समय अगर आप उससे करंट फ्लो करा रहे हैं और उसमें जो रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है, हम उसी रेजिस्टेंस को क्या बोलेंगे, रेजिस्टिविटी बोलेंगे। बहुत फ्रेंडली समझने का ज़रूरत है। जो बच्चे रट्टा मारते हैं ना, उनको दिक्कत होगा। आप एक वायर ले लो ना बेटा, जिसका लेंथ 1 मीटर है, मतलब यूनिट है। आप एक वायर ले लो ना जिसका एरिया ऑफ क्रॉससेक्शन भी यूनिट है। एरिया ऑफ क्रॉससेक्शन मतलब ये वाला मोटा एरिया, इसको हम बोलते हैं जहाँ से करंट इंटर करता है, तो ये वाले पोर्शन को एरिया ऑफ क्रॉससेक्शन बोलते हैं। ये भी यूनिट ले लो, नहीं तय बात है कि इससे करंट को जब चार्ज जब अंदर में फ्लो करेगा तो यहाँ तो बनेगा रेजिस्टेंस। तो उस समय जो रेजिस्टेंस बनेगा उसी को रेजिस्टिविटी कहते हैं। बहुत सिंपली समझने का ज़रूरत है। अब अगर कोई बंदा आपसे बोले कि भैया आप मेरे को रेजिस्टिविटी का यूनिट बता दो, तो अभी आपने बोला कि सर रो इज इक्वल टू हो जाएगा आर इंटू ए बाई एल, आर का ओम, एरिया का मीटर स्क्वायर, नीचे वाले लेंथ का मीटर, ए को मीटर कट गया, ओम मीटर क्या हो जाएगा, देख लो ओम मीटर। और यहाँ मैंने निकाल के भी दिखाया कि आर बाई आर इंटू ए बाई एल होता है, तो ओम एरिया का हो गया मीटर स्क्वायर और लेंथ का हो गया मीटर, ओम मीटर। अगर तुमको डायमेंशन निकालने का हो जाए तो भी तुम निकाल सकते हो। क्या फॉर्मूला होता है, आर इंटू ए बाई एल, ये एल है ध्यान देना, आर इंटू ए बाई एल। आर का अभी तुम पढ़े हो एम एल टू टी माइनस थ्री ए टू, जस्ट इसके पहले वाले में। एरिया का जानते हो कि एल टू होता है और बाई एल हो गया, एक एल कट जाएगा, बाकी जो बच गया एम एल टी माइनस थ्री ए टू। तो बच्चा ये हो गया तुम्हारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। फटाफट हम निकलते जा रहे हैं। अब एक छोटा सा यहाँ पर हम टॉपिक तुमको दिए, हमको बताइए रेजिस्टिविटी, करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में क्या रिलेशन है। हम तुमको यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक अभी दिए कि हमको बता दीजिए कि ये रेजिस्टिविटी, ए करंट डेंसिटी है और ए इलेक्ट्रिक फील्ड, इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो रेजिस्टिविटी का मतलब रो होता है, करंट डेंसिटी का मतलब जे होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ई होता है। इसके बीच में हमको रिलेशनशिप बताना है। तो अभी आप फार्मूला पढ़े हो आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, और वी डी के बदले क्या मैंने बताया, मैंने बताया कि आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, आई इज इक्वल टू एन ई ए और वी डी का वैल्यू पुट कर दो क्या होता है, ई ई टी बाई एम। और इसी को तुम अगर थोड़ा सजा के लिख दो तो तुम्हारा हो गया एन ई स्क्वायर ए ई टी बाई एम। अब ऐसा करो यहाँ से ए को तुम हटाओ, ए वाले ए को हटाओ, क्योंकि देखो जे लाना है तो हटाओगे तो आई बाई ए हो जाएगा, आई बाई ए हो जाएगा। और इसको भी अरेंज करके लिख दो जैसा कि हम तुमको सबसे पहला इक्वेशन में बताएं कि एम बाई एन ई स्क्वायर टी बन गया इक्वेशन, ई बाई एम बाई एन ई स्क्वायर टी को क्या बोलते हैं, इसको रो बोलते हैं, बन गया। आई बाई ए को क्या बोलते हैं, जे। बस यही रिलेशनशिप है, देख लो तीनों आ गया, मतलब हो गया जे इज इक्वल टू ई बाई रो। अब यहाँ से अगर तुमको ई निकालना है तो जे इंटू रो, अगर तुमको रो निकालना है तो ई बाई जे, जैसा तुमको रिलेशनशिप चाहिए वो रिलेशनशिप भी तुम्हारा यहाँ पर निकल गया। तो बच्चा हम ए टॉपिक भी तुम्हारा क्लियर कर दिए। अब हम लोग आते हैं कि कंडक्टेंस, 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 टेंस, 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 रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, रिलेशनशिप बना लो। तो कंडक्टेंस जब बताना होगा तो बिल्कुल बता देना कि कंडक्टेंस इज अ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस इज अ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब वो इसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं तो बन गया जी इज इक्वल टू 1/r। रेसिप्रोकल का मतलब व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब 1/। और बच्चा जब जी इज इक्वल टू 1/r हो गया तो जी इज इक्वल टू 1/r के बदले क्या पढ़े हो, आर के बदले अभी तुम पढ़े हो क्या पढ़े हो कि एल रो बाई ए, ए ऊपर चला जाएगा तो बन गया जी इज इक्वल टू ए बाई एल इंटू रो। अब इससे तुम्हारा सब निकल जाएगा। यूनिट अगर निकालने के लिए कहे, यूनिट अगर निकालने के लिए कहे तो बिल्कुल यूनिट तुम निकाल सकते हो जी। अगर जी इज इक्वल टू 1/r है तो क्या हो जाएगा 1/ohm, और वही 1/ohm को बच्चा यहाँ पर एक अच्छा सा बात तुमको मैं बता रहा हूँ ध्यान देना, ये अगर ओम ऊपर चला जाएगा तो पर ओम हो जाएगा। इसको क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं पर ओम। और जानते हो पर ओम का दूसरा नाम है महो, महो। संसार में एक अच्छा जीके जीएस भी तुमको हम बता देते हैं, संसार में एक ओम ही ऐसे साइंटिस्ट हैं जिनका उल्टा और सीधा दोनों सम्मान दिया गया है। इधर से चलोगे तो हो जाएगा ओ एच एम, और इधर से अगर चलोगे तो हो जाएगा एम एच ओ, महो। और महो इसको ये पलट जाएगा, जो ओम है ना एम, इसका जो ये जो हो जाएगा साइन जो हो जाएगा वो पलट जाएगा और ए बन जाएगा ऐसे, और इसी को हम लोग बोलते हैं पर ओम, ऐसे बोलते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड साइंटिस्ट रहे हैं ओम साहब। तो ओम को हम बोलते हैं महो पर ओम, देखो हम यहाँ पर लिख दिए हैं ओम पर ओम है, ऐसे लिखेंगे महो सीमेंस।
और इसी को एम्पियर पर वोल्ट भी कहते हैं और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाता है। अब चूंकि आर का मान तुमको पता है तो खाली 1/r करो और आर वाले को उल्टा कर दो। हम रेजिस्टेंस का पहले पढ़ा चुके हैं तो एम माइनस वन एल माइनस टू टी थ्री ए टू, तो तुम्हारा कंडक्टेंस भी हो गया। और अब हम तुम्हारा टॉपिक्स लेकर के आते हैं, ये लास्ट टॉपिक तुम्हारा है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी तो खुद ही सोच लो, कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी 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 कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी रिलेशनशिप बना लो। टिविटी टिविटी दो जगह होता है, रेजिस्टिविटी में भी और कंडक्टिव, तो बस रेसिप्रोकल हो गया। इसका मतलब हो गया कि कंडक्टिविटी जिसको कि हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं इज इक्वल टू हो जाएगा 1/ρ। कंडक्टिविटी जिसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं हो जाएगा 1/ρ। तो ये फॉर्मूला हो गया, मतलब ये क्या हुआ, कंडक्टिविटी इज अ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। अब जब तुमको फॉर्मूला जब ये पता चल गया तो दुनिया का हर बात पता चल जाएगा। तो खाली रो का वैल्यू पुट करोगे तो हो जाएगा एन ई स्क्वायर टी बाई एम, यूनिट पुट करोगे तो हो जाएगा पर ओम पर मीटर, इसको हम लोग पर ओम पर मीटर या महो पर मीटर या सीमेन पर मीटर कह सकते हैं। इसका डायमेंशन चूंकि इसका इसके बारे में सब तुमको पता है ना, तो फाइनली इसका डायमेंशन हो जाएगा एम माइनस वन एल माइनस थ्री टी थ्री ए टू। यहाँ पर मैंने एक बात बताया कि द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स इज मैक्सिमम वाइल दोज ऑफ इंसुलेटर इज मिनिमम, तो ये बात तुम्हारा ऑब्जेक्टिव में काम आ जाएगा, इसको भी तुम ध्यान रखना। तो बच्चे अच्छे खासे आज के टॉपिक्स हमारे थे, ये टॉपिक्स तुम लोग का यहाँ पर आकर के सारा का सारा, मैंने थ्योरी बेस्ड क्लास था वो सारा का सारा टॉपिक्स मैंने यहाँ पर ला कर तुम लोग का क्लियर कर दिया। और मैं ज़्यादा ध्यान दो पढ़ाई पर, बहुत ज़्यादा ध्यान दो पढ़ाई पर बेटा, ये सही वक्त है पढ़ने का। इस समय तुम जितना ज़्यादा लेबर करोगे आने वाले समय में तुमको उतना ज़्यादा ईजी होगा। तो चलो बच्चे बहुत अच्छे तुम लोग क्लास किए सारे के सारे बच्चे, हाँ, और ऐसे ही तुम्हारे लिए हम अच्छे अच्छे क्लास लेकर के आते रहेंगे। तो अब हम यहाँ पर बता दें तुम्हारा कि ये हमारा सोशल लिंक हो गया है ना, ये हमारा टेलीग्राम चैनल हो गया, ये हमारा नंबर है, किसी भी क्यूरी के लिए हमारे पास आ सकते हो। और जो बच्चे अभी तक हमारे मेरे को सब्सक्राइब नहीं किए हो, अपने भी सारे बच्चे सब्सक्राइब कर लो, अपने सभी दोस्तों को भी बताओ, इतना बेटर क्लास चल रहा है। और एक बात मैं और तुम लोग को थोड़ा शेयर कर दूँ, अभी चल रहा है क्लास 11 का वेक्टर। तो जितने भी बच्चे मतलब MWF में तुम लोग का क्लास चल रहा है और TTS में उन लोग का क्लास चल रहा है, तो जितने भी बच्चे तुम लोग अभी 12 में हो, सारे के सारे बच्चे वेक्टर का रिवीजन कर लेता तो बहुत अच्छा तुम्हारे हित में फेवर में होता। इससे दो फायदे होते, एक तो तुम्हारा रिकॉल हो जाता वेक्टर, और दूसरा तुम जब वेक्टर का मैथ बनाओगे, अभी मैथ का एक बुक तुमको वेक्टर का बनाना होगा, क्लास 12 में वेक्टर का एक बुक बनाना होता है, तो उस समय पर तुमको बहुत बड़ा फायदा होने वाला था। तुम्हारे मैथ टीचर जब तुमको वेक्टर के बारे में बताना शुरू करते तो तुम एकदम अभी काफ़ी अपडेट रहता, और ये भी मैं लेटेस्ट क्लास दे रहा हूँ तो तुमको बड़ा फ़ायदा भी होता। तो मेरे को लगा कि तुम लोग को इन्फॉर्म कर देना चाहिए, तो जैसा देखना तुम लोग उसको क्लास कर सकते हो। सारे बच्चे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और ऐसे ही बेटर से बेटर क्लास लेकर के मैं पर डे तुम लोग के लिए हर शेड्यूल्ड क्लास में तुम लोग के लिए मैं आते रहूँगा। तो चलो सब लोग खूब खुश रहो, स्वस्थ रहो, हंसते खेलते रहो, खूब पढ़ते रहो, यही शुभकामना के साथ। हैव ए नाइस डे, बाय बाय।